उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच ऐतिहासिक परिवहन समझौता हुआ है। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। परिवहन समझौते के तहत हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में करीब 66,000 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें हरियाणा में प्रतिदिन करीब 50,000 किलोमीटर तय करेंगी। सूरजकुंड मेले में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत हमेशा से हस्तशिल्प के दम पर ही सोने की चिड़िया रहा है। भारत के हर गांव में कोई न कोई खास कला है जिसको आज पहचान की जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक जिला के एक उत्पाद के आधार पर प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि शिल्पकारों को बढ़ावा दिया जा सके। यूपी होमगार्ड के डीजी सूर्य कुमार शुक्ला का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो मंच से अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण की शपथ लेते नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने शुक्रवार को बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। सरकार ने 26 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। अयोध्या पहुंचे शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर जल्द बनना चाहिए। वसीम रिजवी ने लखनऊ में डीजी होमगार्ड सूर्य प्रकाश शुक्ला के मंदिर पक्ष में शपथ लेने का भी समर्थन किया है। वसीम रिजवी के साथ बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि वसीम रिजवी की भावना रामलला के पक्ष में है। कासगंज हिंसा में मृत चंदन गुप्ता के परिवार को अज्ञात बाइक सवार लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के भापुर गांव में घर के दो अलग अलग कमरों में दो युवतियों का अजला शव बरामद हुआ है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। गोरखपुर के खोराबार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। चंदौली में प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद ने राजकीय महिला चिकित्सालय का अचानक निरीक्षण किया। अस्पताल में कर्मचारियों और डॉक्टर के नहीं मिलने पर मंत्री जी भड़क उठे और उनकी उपस्थिति का विवरण भी मांगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने भूमि पूजन कर इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने बताया कि इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। इलाहाबाद में लड़कों का फ्री में एडमिशन करने के लिए दबंगों ने कोचिंग संचालक पर जानलेवा हमला किया। दबंगों ने मारपीट की और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुरादाबाद में एक कारोबारी से 30 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बैंक के खातों को सीज कर दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र इलाके में स्थित एक इमामबाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इमामबाड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सहारनपुर में सांख्यिकी विभाग की डेप्यूटी डायरेक्टर ने फेसबुक पर बम फोड़ा है। अधिकारी रश्मि ने फेसबुक पोस्ट पर कासगंज हिंसा को सहारनपुर मामले से जोड़ा है। मऊ के बिजली विभाग परिसर के पास एक नवजात बच्चा कूड़े के ढेर में पड़ा मिला। आवारा कुत्तों ने नवजात के शव को शत विशत कर दिया। हरदोई में परीक्षा शुरू होने से पहले ही हाई स्कूल के प्रश्न पत्र का एक बंडल गायब हो गया है। मामला सामने आने के बाद अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।